में बार बार सरकार का गिरना, मनोबल को गिराना जैसे होता है, परंतु वो दिया जलाएं और आज अटल जी का वह जलाया हुआ दिया या वह लगाया हुआ बड़ का पेड़ आज वट वृक्ष बन चुका है। अटल जी के लिए मैं क्या बोलूं, अटल जी अपने आप में ही पूर्ण व्यक्ति हैं, संपूर्ण व्यक्ति हैं, और उनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो उन्होंने लिखी है, मृत्यु पर बहुत कविताएं लिखी। परंतु मुझे ये बहुत अच्छा लगता है अटल जी का कि उनको, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दैवी शक्ति उनको प्राप्त थी कि उनकी कविताएं जो मैं 2-3 दिनों से सुन रही थी, अच्छा हो गया कि आप लोग 2-3 दिन बाद मुझसे बात कर रहे हैं, मैं तो यानी बात करने की स्थिति में भी नहीं थी, दो यानी वो दैवी शक्तियों से उनको पूरे उनकी कविताओं में आभास होता था। जैसे 15 अगस्त पर उन्होंने कविता लिखी कि एक दिन मैं तेरे से लड़ाई करूँगा, मेरे राष्ट्र का ध्वज आज नहीं झुकना चाहिए, सरकार तो आती रहेगी जाती रहेंगी, जो वाक्य उनका संसद में जो बोला था, और मेरा भारत, मेरा गणतंत्र अमर रहना चाहिए। उसके अलावा मैं बता रही हूँ, मैं फिर आऊँगा, तुम दीप जलाए रखना, उन्होंने बोले हैं कि मैं फिर आऊँगा, तुम दीप जलाए रखना, मैं फिर आऊँगा, तुम देश बचाए रखना, अपनी भाषा अपनी संस्कृति पर गर्व बनाए रखना, सूरज सा चमके भारत, पौरुष को जगाए रखना, पौरुष को जगाए रखना, सूरज सा चमके भारत, पौरुष को जगाए रखना, जो जनमनगण अधिकारी अभिकारी नित उल्लास बनाए रखना, मैं फिर आऊँगा, भारत में आऊँगा, तुम कमल खिलाए रखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमको आदेश दे करके गए हैं, यानी उन्होंने कविता कभी भी लिखी हो, पर आज मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बार बार वो बोले हैं, वो ठन गई में भी बोलेंगे मैं फिर आऊँगा। तो इतनी सारी कविताएं उनकी, तो वो अपने आप में ही कि 15 अगस्त पर जो उन्होंने लिखा कि एक दिन मैं मौत से लड़ूंगा, और वो पूरे एक दिन मौत से लड़े, परंतु 15 अगस्त को उन्होंने अपने देश का ध्वज, तो ऐसे देशभक्त, ऐसे देशभक्त के सानिध्य में हम उनके लिए क्या देंगे, हम उनको क्या अर्पित कर सकते हैं। आज कल जब मैं उनका अंतिम यात्रा देख रही थी, मुझे यानी उन्होंने क्या बोया है, इतने सारे स्पीकर उनके, राष्ट्रपति उनका, उपराष्ट्रपति उनका, प्रधानमंत्री उनका, 22 मुख्यमंत्री चल रहे हैं साथ में, ये उनका कृतित्व है, ये अटल जी का कृतित्व है। तो ऐसे अटल जी को हम लोग के जैसे तुच्छ लोग, हमको कुछ भी नहीं मालूम। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मैं आज भी पूरी तरह से संकल्पित हूँ, जो भी पार्टी आदेश देगा मैं वैसा ही जैसे आज तक मैं काम करते आई हूँ। मुझे पद का भी लोभ नहीं है, पद लेने से भी मैंने इनकार किया था, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं। अब लालसा भी और कम हो जाएगी, जब एक उम्र थी उस समय मैंने लालच नहीं की, तो अब लालच की तो आवश्यकता ही नहीं है, परंतु जो भी मुझे दिया जाएगा मैं उसे अंगीकार करके और सराहूंगा। आपसे आग्रह है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और ताज़ा वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।